पंचकुला अस्पताल में कार्यरत नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर पंचकुला अस्पताल में ओपीडी के बाहर 2 दिनों की हड़ताल को आज से शुरू किया, जिसके चलते एनआरएचएम कर्मचारियों का आज और कल का काम काज ठप रहेगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए और 2 महीनों से रुकी तनख्वाह दी जाए। एनआरएचएम के तहत काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि एनआरएचएम के तहत काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को सरकार की नई पॉलिसी के तहत रेगुलर किया जाए और पॉलिसी लागू होने तक समान काम समान वेतन दिया जाए। इनका कहना है कि कई कर्मचारी 15-15 सालों से एनआरएचएम में काम कर रहे हैं, जिन्हें रेगुलर कर्मचारियों के वेतन का मात्र तीसरा हिस्सा दिया जाता है, जबकि काम रेगुलर कर्मचारियों के बराबर करवाया जाता है। इसके अलावा कई बार 2-2 माह तक सैलरी नहीं दी जाती, जिसके चलते परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। इनकी मांग है कि इसके साथ ही निकाले गए 1200 कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को दोबारा बहाल किया जाए और कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर न किया जाए, जिसे लेकर आज इन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। देखिए, ऐसे है कि काफी लंबे समय से ही हम मांगे करते आ रहे हैं एनआरएचएम कर्मचारी एमडी सर से और सारी स्टेट से, हरियाणा सरकार से भी। काफी लंबित समय से ये मांगे हैं हमारी कि एक तो ये जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है रेगुलर कर्मचारियों के लिए, रेगुलर करने के लिए, उसमें भी जो है हमारे लिए एनएचएम कर्मचारियों के लिए अलग से जो पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हमें भी कम से कम स्टेट में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए 5 से 10 वर्ष का काम कार्यकाल हो चुका है और इससे भी पुराने कई कर्मचारी हैं जिनको 18-18, 20-20 साल भी हो चुके हैं, तो उस पॉलिसी के तहत वो भी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो कर्मचारी इतनी देर से, इतने वर्षों से कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी रेगुलर हों, उनको भी रेगुलराइजेशन का फायदा मिले। पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी ये है कि अगर जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक समान काम समान वेतन को लागू करें, क्योंकि जितने भी कर्मचारी एनआरएचएम के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, सभी वही काम करते हैं जो हमारे माननीय रेगुलर एम्प्लॉइज करते हैं। काम में कोई फर्क नहीं। अभी कितनी सैलरी? अभी अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी है वो 1/3 ही मिलती है जो रेगुलर की है। कितने हैं? किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 15,000, इससे ज्यादा किसी की कोई सैलरी नहीं है। कैमरा पर्सन जसबीर के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।